प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर 2020 को एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए विजय राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपए का स्मृति सिक्का जारी करेंगे, क्योंकि आज ही के दिन साल 1919 में विजय राजे सिंधिया का जन्म हुआ था। उनको ग्वालियर की राजमाता के तौर पर जाना जाता था। ये सिक्का विजय राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी पर जारी किया जाएगा। जन्म शताब्दी समारोह के क्रम में 100 रुपए के स्मृति सिक्के को वित्त मंत्रालय ने तैयार कराया है। प्रधानमंत्री की ओर से सिक्के को जारी किए जाने के मौके पर विजय राजे सिंधिया के परिवार के सदस्यों के साथ साथ देश के अन्य भागों से लोग भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट पर लिखा कि 12 अक्टूबर को राजमाता विजय राजे सिंधिया की जयंती है। इस खास अवसर पर 100 रुपए का स्मारक चिन्ह जारी किया जाएगा। ये उनके जन्म शताब्दी उत्सव का हिस्सा है और उनके महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने का एक मौका भी है। दरअसल विजय राजे सिंधिया जनसंघ की नेता थी और भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थी। राज घराने से ताल्लुक रखने वाली विजय राजे सिंधिया भाजपा की बड़े चेहरों में से एक थी और हिंदुत्व मुद्दे पर काफी मुखर रहती। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया विजय राजे सिंधिया की बेटी हैं और राज्यसभा सांसद ज्योति आदित्य राव सिंधिया उनके पोते हैं। राजमाता विजय राव सिंधिया ने अपना पहला चुनाव 1957 में गुना सांसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था। देश की दूसरी लोकसभा में वो पहली बार बतौर कांग्रेस सांसद पहुंची थी। इसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पर ही ग्वालियर लोकसभा से चुनाव लड़ा। इस चुनाव में भी वो जीती और कांग्रेस की सांसद के रूप में पार्लियामेंट पहुंची। 2001 में विजय राजे सिंधिया का निधन हो गया, लेकिन वो अपने पीछे कभी न हार मानने वाली एक ऐसी सियासी कहानी छोड़ गयी जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वो एक कुशल नेता, एक शानदार वक्ता और सियासत की माहिर खिलाड़ियों में से एक थी।